हेलो फ्रेंड्स, नीलम दारुका रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम दही बड़े, चाट, भेल या किसी भी स्नैक के साथ खाने वाली इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। ये बनने में जितनी इजी है, खाने में उतनी टेस्टी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 50 ग्राम बिना बीज वाली इमली ली थी। इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था और छलनी से छान के इसका सारा पल्प निकाल लिया था। यहाँ मैंने 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। सफ़ेद नमक और काला नमक लिया है। आधा चम्मच सौंठ का पाउडर या ड्राई जिंजर पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून शुगर ली है। जीरा लिया है। 1 पिंच हींग ली है। आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है। आधा चम्मच सौंफ का पाउडर लिया है और आधा चम्मच ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। बस हमें यही सब चीजें चाहिए। कढ़ाई गर्म करके हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। जीरा डाल देंगे। जीरे को तड़कने के बाद हींग डाल देंगे। मिला लेंगे दोनों चीज़ों को। अब हम यहाँ पे इमली का पल्प डालेंगे। अब इस इमली के पल्प को हमको एक अच्छा उबाल आने देंगे। देखिए ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है और इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इसे 2 मिनट तक और उबाल आने देंगे। उसी के बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। देखिए एक अच्छा उबाल आ गया है इसमें। अब हम इसमें गुड़ डालते हैं। तो ये गुड़ को मैंने पहले ही तोड़ लिया था ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो इस तरह से ये सारा गुड़ इसमें डाल देंगे। अब इसको मेल्ट होने देंगे। जितने भी इसके बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको इस तरह से तोड़ते हुए इसको मेल्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जितनी इमली ली है उसी के लगभग बराबर मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। अब हम यहाँ पे गुड़ मेल्ट होने के बाद में यहाँ पे हम मसाले डालेंगे। तो सफ़ेद नमक और काला नमक डाल दिया है। भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है। सौंठ पाउडर डाल दिया है। सौंफ का पाउडर भी डाल दिया है और लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया है। मिला लेंगे सारे मसालों को। अब इस इमली के पल्प को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। तो इस तरह से इसको गाढ़ा करते जाएंगे और बीच बीच में हिला लेंगे इसको। हमें इस इमली की चटनी को ना तो ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला करना है। देखिए हमारी इमली की चटनी पहले से ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून शक्कर डाल देंगे। इसको भी मेल्ट होने देंगे। शुगर मेल्ट होते ही पानी छोड़ती है तो इसका पानी भी हम इसको सुखा लेंगे और 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए हमारी चटनी पहले से गाढ़ी हो चुकी है। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी होगी। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे और किसी एयरटाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी दही बड़े या किसी भी चाट के साथ सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए
और आपका एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।